जायफल माचिया लगाया हुआ है हमने और ये मनी प्लांट है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोंदल व्लॉग्स, मेरा नाम है उस्मान इब्राहिम। दोस्तों आज हम आपसे शेयर करते हैं कि हमने कैसा अपना छत पे जो गार्डन छोटा सा बनाया हुआ है उसको हम ट्रांसफॉर्म करने लगे हैं। कुछ पुरानी पॉट्स हैं उनको चेंज करके हम उसकी जगह पे क्यारियां लगाएंगे, उसको पेंट करेंगे और उसमें नए पौधे लेकर लगाएंगे और आप दोस्तों से शेयर करते हैं, आप हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए चलते हैं मोहम्मद अयान के पास। पहले व्हाइट कलर करेंगे, फिर रेड करेंगे क्योंकि उसकी अच्छी शाइन आए, फिर हम इसके अंदर मिट्टी डालेंगे, फिर अच्छे अच्छे पौधे लगाएंगे। चले आपके साथ शेयर करते हैं। चाचू ने इस पर कलर किया है, एक दो हका दिया है और चाचू ने गांधी उठा दिया है और अब हम लोग दोबारा से दूसरी दफा इनके ऊपर व्हाइट कलर करेंगे। कौन सा प्यार है? अच्छा बताओ हम क्या करने लगे? Thank you.
अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपने हमें हमने आपको दिखाया था कि हमने क्यारी में पेंट और मिट्टी डाल के पौधे लगाए हैं। और चलिए आपको हम दिखाते हैं अपना गार्डन। ये देखिए, ये क्यारी हमने यहाँ रखी है और बड़े वाले पौधे लगाए हैं, उसके नीचे फूलों के पौधे भी लगाए हैं और इसके आगे भी फूल है, भी हमने फूल वाले पौधे लगाए हुए हैं। और यहाँ आए तो यहाँ पर गुलाब का फूल है, ये भी फूल वाला पौधा है, ये पिंक फूल है और ये डेकोरेशन वाला है। ये इसके साथ आए तो ये भी गुलाब का है, ये नीचे ऑरेंज फूल का है और ये टमाटर है। ये देखिए, इसके साथ छोटा सा टमाटर भी लगा है। ये देखिए, इधर आई एक ये छोटा मोतिया है और ये बड़ा। यहाँ पर एक गुलाब का फूल भी निकला हुआ है, इसके साथ भी गुलाब है। ये है मड़वा, इसकी बहुत खुशबू अच्छी होती है रात के टाइम। और यहाँ पर ये भी फूल वाला पौधा है, यहाँ पर ये एक डेकोरेशन वाला। ये आपको अमरूद का लग रहा होगा लेकिन ये डेकोरेशन का पौधा है और ये भी डेकोरेशन का है। और ये रात की रानी है और ये एलिफेंट ट्री है, ये लेडी पाम का पौधा है, ये स्नेक का पौधा है, ये डैफर माचिया लगाया हुआ है, ये डेकोरेशन वाला है और ये मनी प्लांट है। और यहाँ पर ये बड़ा पाम का पौधा। अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कैसा है। आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।